हेलो, एक वीडियो में मैंने पहले ये बता दिया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्यों लॉन्च किया गया है, सरकार का पर्पस क्या है, ठीक है। और अब ये क्लियर है तो मैं उस वीडियो की बातों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी कमेंट आए आप लोगों के कि सर ये जो गैजेट है ये भी हमारी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप इसे अपने स्टाइल में आसान भाषा में समझा सकते हैं। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, 17 पेज का गैजेट था, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मैंने 2 बार पढ़ लिया और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। और एक बहुत चेंज भी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। सो हम सभी जानते हैं एज ऑफ नाउ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, 4.5 साल की MBBS एजुकेशन होती है। और वही बात है कि फ़िलहाल चूँकि बड़ा ही कोविड के चक्कर में पिछले 2 साल से शेड्यूल गड़बड़ चल रहा है, लेकिन जनरली तो ये शेड्यूल गड़बड़ नहीं चलेगा ना, राइट। सो जनरली जिसको बोलते हैं कि ये कैसे होना है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल सिचुएशन में अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो गए जो होनी चाहिए, तो हिस्टोरिकली भी 4.5 साल एक तरह से दिसंबर में ख़त्म होते हैं। जैसा हम जानते हैं बीटेक वगैरह सब 4 साल का कोर्स होता है। सो 2024 बैच के बच्चों को पकड़ते हैं, 23 को भी नहीं, तो 23 थोड़ा सा लेट हो गया है, या जो 2024 में जाएंगे। अब मैं मान के चलता हूँ सब कुछ ऑर्डर से हो जाए, काउंसलिंग भी 1 वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाए और बच्चे सेप्टेम्बर में कॉलेज चले गए। तो देखिए, 2024 से लेके 2028 नवंबर तक आप 4.5 साल की पढ़ाई करते हैं। अभी क्या होता है इंडिया में, खासकर हम पढ़ाई करते हैं 4.5 साल की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी एग्ज़ाम देते हैं, हम इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, इंटर्नशिप पार हो जाती है, हम 5.5 साल में डॉक्टर बन जाते हैं। इंटर्नशिप के बाद वाला हम नेक्स्ट PG देते हैं, राइट, जो कि उसी समय होता है ना मार्च में। तो हमारा दिसंबर में बहुत सिस्टमेटिकली चलता है, दिसंबर में ख़त्म हुआ, हमने मार्च में नीट PG दिया और अगले साल हमने PG स्टार्ट कर लिया वही जून जुलाई में। ये एक नॉर्मल साइकिल चलती है, क्लियर है। अगस्त में स्टार्ट हुआ और 4.5 साल चला, 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल, ज़बरदस्ती का 6 महीने का ब्रेक ज़रूर आता है। तो नीट PG या PG हमारा 6 साल के बाद स्टार्ट होता है। तो इसकी साइकिल ही MBBS की ऐसी है ना, इट इज़ नॉट लाइक BTech, राइट, कि भी 4 साल ख़त्म होते ही आप MTech या MBA या जॉब शुरू कर सकते हो। इसमें 4.5 साल जमा 1 5.5 साल और नीट या PG क्लासेस दिसंबर में स्टार्ट ना होके जून में होती हैं। ब्रॉडली जो शेड्यूल है ना वो PG का तो ऐसे ही रहेगा। तो अब चेंजेस क्या क्या हैं देखिए, 4.5 साल के बाद जब दिसंबर आएगा तो आप अपने कॉलेज का क्लिनिकल एग्ज़ाम देंगे। तो जो लास्ट में ना 4.5 साल में जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मतलब ना मोटा मोटी मैं बताऊंगा, मैं सब्जेक्ट्स के नाम ले लेके आपको वो नहीं करूँगा कि भाई नेक्स्ट वन में 6 पेपर होने वाले हैं, वो आप शेड्यूल में गैजेट में प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्लियरली लिखा भी होगा कि 3 3 घंटे के, 3 1.5 घंटे के, अभी समझिए। तो 4.5 साल में आप 2 पेपर दोगे, एक लोगे नेक्स्ट स्टेप 1, ठीक है, थ्योरी जिसमें से थ्योरी होगी, और एक अपने कॉलेज का पेपर दोगे क्लिनिकल के लिए। सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि आपके 6 पेपर थे, आपने 6ों पास कर लिए। नोट कीजिए, जब तक आप नेक्स्ट स्टेप 1 के 6ों पेपर पास नहीं करेंगे आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होगी। तो पहले सिंपल सिचुएशन मान के चलते हैं कि आपने 6ों सब्जेक्ट पास कर लिए, आपकी इमीडिएटली जनवरी में इंटर्नशिप ये लोग स्टार्ट कर देंगे, इन्हें कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगले दिसंबर में आप नेक्स्ट स्टेप 2 भी दोगे, जो इस समय इंटर्नशिप ख़त्म होने पर हम कोई पेपर नहीं देते थे, पर आप स्टेप 2 दोगे और स्टेप 2 में 7 पेपर होंगे। और फिर से मैं ये मान के चलता हूँ कि हम 7ों पेपर आराम से पास कर लेंगे, ठीक है। तो 7ों पेपर पास कर लिए जो फ़िलहाल सिचुएशन है, और नेक्स्ट स्टेप 2 में खाली पास फेल होगा, स्टेप 1 में एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो नीट PG में बाद में काम आएंगे। पर ध्यान से समझिए, तो भी सिंपल चल रहा है, स्टेप 1 लिया, 6 पेपर दिए, 6ों पास किए पहली बारी में, इंटर्नशिप करी, और स्टेप 1 के साथ साथ कॉलेज के क्लिनिकल के पेपर दिए, तो तभी तो आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। इंटर्नशिप पार ख़त्म करोगे, नेक्स्ट स्टेप 2 दोगे जो पास फेल होगा। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप 1 का स्कोर कार्ड था उसको लेके आप स्टार्ट कर सकते हो नीट PG की काउंसलिंग। तो PG काउंसलिंग कैसे होगी, बाबन अभी नीट का वर्ल्ड है, तो आपका स्कोर कार्ड है। और ये भी बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि काफ़ी रोटेशन चलेगी, आप गैप भी ले सकते हो। देखिए, आज तक क्या होता है कि इस साल जो नीट PG लेता है वो इस साल ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये हिंदुस्तान का ना आता है, रूल चल रहा है, हम कभी अक्रॉस वो नहीं जाते। जैसे नीट UG में हम कहते हैं अब्रॉड में 3 साल तक वैलिड है, क्योंकि देखिए अब्रॉड में भी कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन
आज लेट से किसी बच्चे ने नीट में 650 नंबर लाया और वो कई मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे ना मौलाना आज़ाद नहीं मिल रहा, मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे अगले साल कम नंबर रह गए, 550 रह गए, तो क्या मेरा 650 स्कोर मान्य होगा अगले साल की काउंसलिंग में? इंडिया में आज ये रूल नहीं है किसी भी कोर्स में, ठीक। आपके इस साल के स्कोर इसी साल वैलिड होते हैं, लेकिन स्टेप वन में ये लेकर आ रहे हैं कि आपका जो स्कोर, जो आपका फाइनल स्कोर होगा, वो आपका अगले कुछ सालों तक वैलिड रहेगा। मैं वो लाइन भूल गया कि 2 या 3 साल जितना भी था, और इससे काफ़ी बड़ा चेंज आएगा कि जब एक्चुअल रैंकिंग आएंगी, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट का मौका भी दे रहे हैं, राइट, कि आप बार बार वो स्कोर ले सकते हो और जो भी, जब भी आप चाहो फिर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आप चाहोगे। और फिर ये अलाइनमेंट करेंगे, इस साल का क्या रिजल्ट है, पहले साल का क्या रिजल्ट है, उसके हिसाब से फाइनल रैंक कार्ड आपको देंगे। अभी तो है ना, इस साल की रैंक बड़ी क्लियर है। मैं हमेशा भी कहता हूँ ना कि इस साल को 700 नंबर वाला, अगले साल भी 700 नंबर वाला, अगर हम नीट यूजी की बात करें, और इस साल वाले ने अगले साल डेफर किया, तो किसको आप अच्छी रैंक दोगे? वो सब भी वैसे उन्होंने लिखा है, पर पहले भी एग्ज़ाम पे आते हैं, वो समझना ज़रूरी है। अब आप ये समझिए कि आपने, ये तो हो गया क्लियर कट केस। अब नेक्स्ट स्टेप वन में अगर आप 6 के 6 पेपर में पास नहीं हो पाए किसी भी वजह से, तो जितने पेपर में फेल हुए अगले मई में दोगे, फिर अगले जून में दोगे। इन्होंने ये भी सहूलियत दी है कि अगर आप 6 में से 2 में पास हो, 4 में फेल हो, अगली बार सिर्फ 4 दो, फिर 4 में 2 में फेल हो, 2 में पास हो, अगली बार सिर्फ 2 दो। बट जब तक 6 पास नहीं होंगे तब तक आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होगी, ठीक। अब इसमें साइकिल में दिक्कत क्या है, जो FMG लोग आते हैं खासकर 5 साल का कोर्स करके, वो शायद मई जून में वापस आएंगे, तभी उनके रखा गया कि उनको 6 महीने वेस्ट ना हो, आप मई जून में नेक्स्ट स्टेप वन ले लीजिए। आपको स्टेप, आपको MBBS क्लिनिकल टेस्ट तो होगा नहीं आपका कॉलेज वाला, और स्टेप वन पार करते ही आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटर्नशिप अब साल में 2 बार स्टार्ट हुआ करेगी, जुलाई में भी और जनवरी में भी मोटा मोटी, राइट। सो जो जब आप नेक्स्ट स्टेप वन पूरा क्लियर करोगे जिस साइकिल में, ताकि आपके 6 महीने ना खराब हो, आपकी इंटर्नशिप इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, नीट PG की साइकिल तो देखो सेम ही रहेगी, राइट, पर उसमें भी देखो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप जून टू जून भी इंटर्नशिप कर रहे हो और नेक्स्ट स्टेप वन तो आपने पहले ले रखा है, तो आपने बस अप्लाई कर देना है किसके लिए, PG सीट के लिए, और आपका जून तक तो इंटर्नशिप ख़त्म हो ही जाएगी, तो फिर आपका PG जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्रॉडली बात हो गई। नेक्स्ट स्टेप टू में जी 7 पेपर पास करने हैं एक ही बारी में, राइट, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कभी पास कभी फेल। सो वेरी ब्रॉडली ये है। अब मैं ये मतलब आई होप मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि स्टेप वन स्टेप टू का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, स्टेप वन के 6 पेपर हैं, वो आपको धीरे धीरे करके पास करने हैं, उन्हीं के स्कोर होंगे जो नीट PG में काउंट होगा। फिर उन्होंने प्रायोरिटी भी दी है कि अगर क्लैश हो रहा होगा तो किस सब्जेक्ट के स्कोर को हम ज़्यादा, जैसे नीट में बोलते हैं ना कि फिफ्थ सेमेस्टर बायोलॉजी में अगर जब 2 लोगों के नीट में सेम स्कोर आता है तो रैंक कैसे लोग करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, फिफ्थ सेमेस्टर बायोलॉजी, एज वेज, ऐसा ही उन्होंने दे रखा है कि हम वो प्रेफरेंस कैसे करेंगे, अक्रॉस ईयर्स कैसे करेंगे, अभी भी लिखा है कि मतलब धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी क्लियर नहीं है कि मेरा स्कोर इस साल अगर स्टेप वन में कुछ आया, किसी और बच्चे का दूसरे साल में आया, हमारा स्कोर बिल्कुल सेम है, तो किसको रैंक ऊपर मिलेगी, ये मैथमेटिकल मॉडल अभी तक क्लियर नहीं किया गया। और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इंडियन कॉन्टेस्ट में, इसीलिए आज तक इंडिया में ये चीज़ आई नहीं थी कि आप अपने स्कोर्स को अक्रॉस द ईयर यूज़ कर सको। देखिए, डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सो 2 बच्चों के GMAT या SAT या USMLE स्कोर सेम भी है ना, तो वहाँ पर एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट हमेशा रहता है। बट इंडिया में चूँकि थ्योरेटिकल कंपोनेंट या सब्जेक्टिव कंपोनेंट आते ही करप्शन के चांसेस हैं, तो ये लोग उसको डालते नहीं है, वरना तो ये ना भी स्कोर सेम भी है तो हम इंटरव्यू में फैसला करेंगे। तो US में तो हर सीट में इंटरव्यू होता है, और पीपल आर हैबिचुअल, ईमानदार देश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई MBA भी करने जाता है, BTEC करने जाता है, SAT, GRE, GMAT वगैरह लेते हो, तो हर जगह इंटरव्यू होता है। तो जो GMAT स्कोर, SAT स्कोर, USMLE स्कोर इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बट इंडिया में इंटरव्यूज़ को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ कैन लीड टू बायसेस, विच कैन लीड टू करप्शन, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। तो जैसा मैंने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे स्टेप वन में, और स्टेप टू तो आप मरीजों से बात करोगे, बिल्कुल क्लिनिकल होगा, जिस तरह US में होता है, जो US का क्लिनिकल पेपर होता है। मैंने आपको समझा दिया कि 2 बार ये पेपर क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको 1 साल ना वेट करना पड़े अपने पेपर पास करने के लिए। FMG भी जब भी आएंगे अगली बार पेपर ले सकते हैं, इंटर्नशिप भी 2 बार स्टार्ट करा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप जितनी मर्जी बार नेक्स्ट स्टेप वन ले लो। पर वो यही कहते हैं कि आपको ये इंश्योर करना है कि अगर 2024 में आपकी MBBS स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट 2 विच इज़ आफ्टर इंटर्नशिप 2034 में आपको क्लियर करना है, वो भी क्लियर करना है, बैठना नहीं है, स्टेप 2 में क्लियर करना है, ओके। तो 10 साल का इन्होंने भी लिखा है ज्वाइनिंग MBBS के बाद, ओके।
तो वही बोला गया कि स्टेप वन ने सिर्फ थ्योरी पेपर हटाया है, 4.5 साल के बाद वाला जो प्रैक्टिकल पेपर जो यूनिवर्सिटी लेती थी वो आज भी लेगी, तो तभी आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप टू में वही आपके 7 क्लिनिकल सब्जेक्ट टेस्ट किए जाएंगे, वो लिखा हुआ है पेज नंबर 11-12 में, वो बोल के मैं समय नहीं ख़राब करूँगा। और भाई सिमुलेटेड केसेस होते हैं, इसमें अक्सर क्या होता है कि आपको पेशेंट के सामने बिठाया जाता है और एक सीनियर डॉक्टर सिर्फ आपको देखते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप डायग्नोसिस कर रहे हो। यूएस में यूएस एमली टू का भी यही पैटर्न होता है। तो बेसिकली भाई हम लोग यूएस के पैटर्न में चलने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट 2 भी साल में 2 बार लिया जाएगा ताकि जो फेल हो रहा है वो पास हो जाए। ओके इन्होंने ये लिखे कि नेक्स्ट स्टेप टू में अगर 3 से ज़्यादा में फेल हो तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा, 1 या 2 में फेल हो इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, मतलब 1 या 2 या 3 में फेल हो तो सिर्फ वही रिपीट करना, 3 से ज़्यादा में फेल हो 4, 5, 6, 7 में तो सारा नेक्स्ट स्टेप टू रिपीट होगा। ठीक है, जितनी मर्जी बार बैठ लो, टोटल 10 साल में पास करना है। स्कोरिंग मैंने आपको बता दिया कि 50% स्कोर लेकर आना है नेक्स्ट स्टेप वन के हर सब्जेक्ट में, जो 6 होंगे, 100 नंबर पेपर है तो 50 लाना है, उस तरह से 300 नंबर पेपर है 150 नंबर लाने हैं। स्टेप टू में वैसे आपको सिर्फ पास फेल दिया जाएगा। ओके भाई मैंने बोला कि जो मेरिट का होगा वो इन्होंने ये बोला है कि हम बाद में बताएंगे, कुछ टाइम ब्रेकर के रूल बता दिए हैं, फिलहाल लिख दिए हैं कि हम किस प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट का स्कोर लेंगे, कि मेडिसिन और अलाइड डिसिप्लिन को टॉप प्रायोरिटी, फिर सर्जरी, फिर ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स और ENT नंबर 5 बोलने बहुत दिक्कत है, और लास्ट में ऑफ्थल्मोलॉजी जो कि आई होता है। राइट, नेक्स्ट स्कोर हमें पता ही है, PG की सीटें आपको उसके बेसिस से मिलेंगी। क्लियरली लिख दिया कि फॉरन ग्रेजुएट्स आ गए हैं तो उनका यूनिवर्सिटी वाला क्लिनिकल एग्जाम नहीं होगा, लेकिन स्टेप वन वो लेंगे, इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप टू में वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और जब आप इंटर्नशिप ख़त्म कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस इंडिया में मिल ही जाता है। ओके, बाकी वही क्वेश्चंस में 60% किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज क्या एक्सपेक्ट है, 60% क्वेश्चन होंगे जो मस्ट नो होने चाहिए, 30% नाइस टू नो, 10% मे नो, ये डिफ़िकल्टी लेवल होता है, यही CBSE भी फॉलो करती है 10-12 के सब्जेक्ट्स में। ओके, नथिंग एल्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ पेपर 3 घंटे, कुछ पेपर 1.5 घंटे का, 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये तो बात की बातें हैं, आई डोंट थिंक दैट इज़ मोर रिलीवेंट। जैसे मैंने आपको बोला जो लास्ट टेबल है दैट इज़ आपको मोटा मोटी समझ में आना चाहिए कि मई नवंबर के साइकिल, PG तो देखिए सिर्फ मई में स्टार्ट होगा, भाई PG 2 बार नहीं स्टार्ट होने वाला, मतलब जुलाई में स्टार्ट होगा, जैसे अपना UG भी होता है ना। सो जिन लोगों की इंटर्नशिप दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी 6 महीने वेट करेंगे, जिनकी इंटर्नशिप की साइकिल ही मई में स्टार्ट हुई थी वो मई में ख़त्म होगी, और इमीडिएटली वो नेक्स्ट स्टेप 2 देंगे जो कि पहले होगा जून में, और उधर से आपने अप्लाई कर दिया है एंट्रेंस के लिए PG सीट के लिए, और इधर आप जून में नेक्स्ट स्टेप 2 क्लियर करोगे। अब पता चले कि वहाँ पर तो आपने रैंक के लिए अप्लाई कर दिया था फॉर PG सीट्स और किसी वजह से स्टेप 2 में रह गए, तो आई थिंक आप सब रोक दिए जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये है मोटा मोटी नेक्स्ट का स्ट्रक्चर। जैसा मैंने कहा कि इंडिया में पहली बार एक एग्जिट एग्ज़ाम आ चुका है, देखिए CA में हुआ करता था बट CA में तो एंट्री फ्री थी, शायद अब मेडिकल एक ऐसा हो चुका है कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री फॉर्म एग्ज़ाम एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एग्जिट एग्ज़ाम, दोनों तरफ एग्ज़ाम आ गए हैं। इंडिया में पहला सब्जेक्ट पेपर है या पहला कोर्स है, और दूसरा शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप उस कोर्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा ना कि आपके लिए स्टेप वन सारा क्लियर, हाँ इसमें स्टेप वन में आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट का भी एक और रूल है कि इस बार आपने जैसे स्टेप वन पार कर लिया आपके 6 सब्जेक्ट, फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, तो उस इंटर्नशिप के बीच में आपने पेपर लोगे, आप इंटर्नशिप के बाद स्टेप 2 क्लियर करने के बाद इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप वन ले सकते हो। और PG की रैंक के लिए टुकड़ों वाले ब्लॉक पास का फ़ायदा नहीं है, आपको इकट्ठे एक बार ही पास करना पड़ेगा, और जो आपके लास्ट एग्ज़ाम था जब आपने इम्प्रूवमेंट दिया तो जो लास्ट एग्ज़ाम था उसको ही कंसिडर किया जाएगा PG स्कोर के लिए। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप PG के लिए जाओगे तो आपको कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये उन्होंने कहा था कि भाई जो इम्प्रूवमेंट है उसका ध्यान रखना है।
तो उन्होंने लिखा हुआ पेज नंबर जो 13 था कि मेरिट फॉर पीजी जो है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन शेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ रॉ स्कोर्स ऑब्टेन इन ईच पेपर इन सिंगल नेक्स्ट स्टेप वन एग्जामिनेशन ओनली। सो जो एक एग्जाम में आपका स्कोर आया था उसी को माना जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई भाई जो टुकड़ों में पास होगा वो बस पास ही होगा, वो पीजी के एलिजिबल नहीं होगा। सिंगल स्टेप वन एग्जाम में करना है और 5 साल तक आपका स्टेप वन का स्कोर वैलिड है। मैं कहता 2-5 साल तक उन्होंने समय दिया है, और जब आप नेक्स्ट साइकिल में आओगे वो पुराना स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। और जो लास्ट अटैम्प्ट थी आपकी, जैसे आपका अगली बार स्कोर कम आ गया तो ये नहीं कि जी मेरा पुराना यूज़ कर लो, जो लेटेस्ट स्कोर आ गया वही यूज़ किया जाएगा। देखिए जी मेट जी आर ई आइल्स में फिर से फ्लेक्सीबिलिटी होती है कि आपके इस बार जी मेट में 700 आए, आपने तो कोशिश की 740 रहने की पर गिर के 650 रह गए, तो फिर भी आपका 700 का स्कोर कार्ड वैलिड है। यहाँ पर अगर आपके इस बार एक स्कोर आएगा नेक्स्ट में और अगली बार उससे कम आ गया जबकि आप सारे पेपर पास है उस अटैम्प्ट में, तो भी लेटेस्ट स्कोर माना जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इम्प्रूवमेंट के लिए बैठेंगे। और जो भी आप फाइनल स्कोर लाओगे वो 5 साल तक वैलिड रहेगा, तो जब आपका मन करे आप पीजी स्टार्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। सो ये सब चीज़ें हैं, और इसी तरह से आप हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। जब आपको सीडीपी चाहिए होती है एमबीबीएस मेडिकल के लिए और आप हमसे संपर्क करना चाहें प्रीमियम काउंसलिंग के लिए, कॉल कीजिए 9643362320 पे। कॉलिंग चार्जेस आपको पता ही है, ऑनलाइन मीटिंग के 2500 रुपये हैं, फेस टू फेस मीटिंग के 5000 हैं। और फिर हम डिसाइड करते हैं जो हमारा प्रीमियम पैकेज है वो आपको कौन सा वाला पैकेज सूट करेगा। हमारा पैकेज 30,000 रुपये स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी आर सपोज टू डू फॉर यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।